नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास आ चुकी है सैमसंग की गैलेक्सी वॉच 4। ये दोस्तों जो फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर की थी तो कुछ इस तरह का बॉक्स देगी आ जाए, इतना लंबा। दोस्तों मैंने इसको ओपन तो किया था चेक करने के लिए, बट मैं आपके सामने फिर से ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, जी है फ्लिपकार्ट का बॉक्स जिसमें हमारी सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 आई है। तो आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और आपको दिखाऊँगा इस वॉच के फीचर्स और इसकी लुकिंग कैसी है। तो दोस्तों इसमें और कुछ भी नहीं है, शायद इसमें एक इनवॉइस वगैरह हो गया होगा। तो जी हाँ, इसमें इनवॉइस है। तो दोस्तों ये कितने की वॉच है और दोस्तों इसमें हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं, और मैं आपको इसी वीडियो में इस वॉच को गैलेक्सी वॉच 3 से भी कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको जो गैलेक्सी वॉच 4 लेनी चाहिए या फिर वॉच 3 लेनी चाहिए, या फिर आपके पास पहले से ही वॉच 3 है तो क्या आपको वॉच 4 में अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके, आपको आसानी समझ में आ सके। तो देखिए इस पे ऊपर लिखा हुआ है गैलेक्सी वॉच 4। जी कुछ इसका डिज़ाइन है इस तरह का, क्योंकि मैंने ब्लैक कलर की मंगाई है। और दोस्तों साइड में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका साइज लिखा हुआ है वॉच का 44 mm। ये देखिए, फोकस नहीं करता कैमरा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 44 सेंटीमीटर की है ये। इस तरफ दोस्तों कुछ भी नहीं है, सिर्फ सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है। पीछे दोस्तों कुछ ये हाईलाइट लिखी गई हैं, जैसे दोस्तों इसमें ब्लूटूथ है और रैम वगैरह। और ये दोस्तों एंड्रॉयड 6 से ऊपर के वेरियंट को सपोर्ट करती है। हमारी गैलेक्सी वॉच 3 थी वो 5 तक का सपोर्ट करती थी, बट जो एंड्रॉयड 6 है वहाँ से स्टार्ट होती है। दोस्तों यहाँ पर एक सील लगी, इसको अभी ब्रेक करता हूँ और आपको अंदर की लुकिंग दिखाऊंगा। एक यहाँ पर ये एक सील दी गई है, इसको भी कट करेंगे। और दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, चलिए ओपन करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे एक ये है, इसको मैं कट कर रहा हूँ। इसे मेरे पास तो नाइफ नहीं है फिलहाल, तो मैं इससे काम चला रहा हूँ। तो ओपन हमारी हो चुकी है। और दोस्तों इस तरफ देखिए, यहाँ पे कुछ की अलर्ट दी गई है इस तरफ भी। तो यहाँ पे कुछ MRP वगैरह और इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है ये सब लिखा गया है। तो दोस्तों इसे ओपन करते हैं पहले। दोस्तों देखिए जी हमारी वॉच है, इसको भी हम बाद में खोलेंगे, पहले इस बॉक्स को देखते हैं। उसके अंदर एक और बॉक्स है अभी। तो इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है ये देखते हैं। दोस्तों इस तरफ है कुछ ये की स्टार गाइड और इसका वारंटी कार्ड। देखिए ये कुछ यूजर मैनुअल है, जिनको दोस्तों कोई भी विजिट करता नहीं है और फिर भी कंपनियां देती हैं, पता नहीं क्यों। तो इस तरफ कुछ नहीं है, इसको बंद करते हैं, इस तरफ देखते हैं। दोस्तों देखिए इस तरफ हमें एक बॉक्स मिलता है, ये छोटा सा, जिसके अंदर शायद डाटा केबल होगी, वही मुझे लग रही है। देखते हैं यहाँ दोस्तों, इसमें डाटा केबल दी गई है। तो दोस्तों इसकी डाटा केबल है, ये देखिए वायरलेस चार्ज वाली, मैग्नेटिक सिस्टम होता है इसमें। आपको इसके ऊपर बहुत रखनी होती है और इसको आपको अपने मोबाइल के एडाप्टर में लगाना होता है। और कुछ भी नहीं, चलिए बॉक्स की तरफ चलते हैं। तो जी हमारी दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4। सबसे पहले बात करता हूँ तो उसकी डिज़ाइन की, तो देखिए डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है, काफ़ी प्यारा है। देखिए एकदम दोस्तों ये थोड़ा राउंड शेप में है, थोड़ा हटा हुआ है साइज का, ये हल्का सा और काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसके स्टेप की बात करूँ तो सिलिकॉन का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये। देखिए आप कितना भी इसको राउंड कर सकते हो, कुछ भी नहीं हुआ इसका। दोस्तों जो बखल होता है जिसको, प्लास्टिक का नहीं है, तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी का है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जल्दी ये टूटेगा नहीं। देखिए तो काफ़ी अच्छी फिटिंग है दोस्तों इसकी। इस वॉच में दोस्तों एक अच्छा फीचर दिया गया है, जो कि दोस्तों मुझे इस फीचर के बारे में पता चला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्यों ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा, क्योंकि इससे पहले दोस्तों मेरे पास गैलेक्सी वॉच 3 थी, वो भी काफ़ी अच्छी वॉच है, उसको भी मैं आपको साइड बाई साइड दिखाने वाला हूँ अभी। तो दोस्तों देखिए पहले मैं इसकी
डायल की बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जी, काफ़ी अच्छी है। देखो फिटिंग इसकी काफ़ी अच्छी आती है, मैं आपको एक अपने हाथ पे बांध के दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने इसको अपने हाथ पे जब बांधा तो इसकी फिटिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी है, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए हाथ वॉच भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके जो फीचर वगैरह हैं, और दोस्तों जो फीचर मुझे सबसे अच्छा लगा वो भी मैं आपको अभी जो मैंने अभी आपसे बात की थी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले से ओपन करते हैं, इसको ऑन करते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है, इसमें बैटरी नहीं थी तो मैंने इसे थोड़ा चार्ज किया, इस वजह से ये ऑन नहीं हो रही थी। चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइस से। जो है मेरे पास सैमसंग गलेक्सी S22 Plus, ये देखिए इससे मैं इसे कनेक्ट करूँगा। इससे वैसे मेरी ऑलरेडी ये घड़ी कनेक्ट है वॉच 3 जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये रही देखना। बट मैं अभी आपको इससे 4 को वॉच को कंपेयर करके दिखाऊंगा, तब आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहले मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, इसे सेटअप करता हूँ दोस्तों। पहले देखिए ये ऑप्शन आ रहा है वॉच पूरा कनेक्ट करने के लिए, ये देखिए तो हमें कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली दोस्तों, इसने डिटेक्ट कर लिया। तो हमारी जो गैलेक्सी वेयर वाली एप्लीकेशन है वो दोस्तों कनेक्ट हो चुकी है। अब जो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो हमें से अब पहले अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरी वॉच 3 ऑलरेडी कनेक्ट है पहले से, बट मैं इसमें न्यू कनेक्ट करता हूँ, एड न्यू डिवाइस, गैलेक्सी वॉच 4 आ चुकी है यहाँ पे। दोस्तों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे अगर आप कनेक्ट करना नहीं आ रहा हो तो आप कनेक्ट करना कर सको अपने डिवाइस से अपनी न्यू वॉच को। तो आपको कुछ इसी तरीके से ये सेटअप कंप्लीट करना है, तभी आपकी वॉच कंप्लीट सेटअप हो पाएगी, कनेक्ट हो पाएगी। और दोस्तों अगर आपके पास ये वॉच है, अगर आप वॉच लेना चाहते हो तो मैं बोलूँगा आप इस वॉच को अगर अच्छी तरह से यूज़ करना चाहते हो, इसके सारे फीचर जो फीचर होते हैं उनका यूज़ करना चाहते हो, तो आपके पास सैमसंग का डिवाइस हो तो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि सैमसंग के डिवाइस दोस्तों हमें जो एप्लीकेशन मिलती है वॉच वाली वो इनबिल्ड मिलती है फ़ोन के अंदर ही, आपको अलग से डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी कोई भी एप्लीकेशन, तो आप इसके सारे फीचर का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास सैमसंग डिवाइस नहीं है फिर आपको दोस्तों सारी एप्लीकेशन जो होती हैं वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेंगी, बट वो सारे फीचर जो वॉच के अंदर होते हैं वो अलग और फ़ोनों में ठीक से वर्क नहीं करते, ना ही दोस्तों अच्छे से शो होते हैं। तो मेरे पास सैमसंग की डिवाइस है S22 Plus, तो इस वजह से मुझे कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करनी पड़ी। और दोस्तों देखिए यहाँ पर परमिशन वगैरह मांग रहा है तो आपको सारी परमिशन दे देनी है। अब जो हमारी वॉच दोस्तों देखिए जी 100% तक होगी तब जो कनेक्ट होती है। दोस्तों मैंने इसको सिर्फ 5% तक चार्ज किया है क्योंकि काफ़ी टाइम ले रही थी चार्ज होने में जी, और जब जो बॉक्स से मैंने निकाली तो इसमें 1% बैटरी नहीं थी। तो दोस्तों देखते हैं कनेक्ट हो पाएगी या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कनेक्ट होने से पहले इसकी बैटरी ना ड्रेन हो जाए, देखते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो ऐसी वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा ये अकाउंट मांग रहा है तो हम कंटिन्यू कर देते हैं क्योंकि मुझे इसी ईमेल आईडी से इसको चलाना है। दोस्तों हमें बहुत तरीका ही रिस्टोर लेना है क्योंकि इससे पहले मैं एक्टिव 2 चला रहा था, उसका मुझे नहीं लेना। हमें यहाँ पर दोस्तों यही सैमसंग है तो सेटिंग वगैरह रिसेट करनी है, तो आपको करना है तो कर लो, वैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मुझे डाटा की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डाटा रिस्टोर करना है तो आपको नेक्स्ट करना था, बट मुझे नहीं चाहिए। अब दोस्तों देखिए हमारा लास्ट ये लास्ट पेज है, इसको हमें ये कंप्लीट करना है, इसके बाद हमारी वॉच कनेक्ट हो जाएगी। देखिए तो देखिए हमारी वॉच कनेक्ट हो चुकी है, 5% बैटरी जैसे मैंने आपको बताई थी, 5% बैटरी है। अब हमारा वॉच फ़ोन का काम दोस्तों हो चुका है ख़त्म, हम चलते हैं वॉच की तरफ। तो ये स्टार्ट हो रही है दोस्तों देखिए, क्योंकि अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें टच करना है, ये कैमरा फोकस नहीं ले रहा एक तो दोस्तों देखिए हमें
हमें यहाँ पर करना है स्टार्ट पर टच। देगी हमारी, अब जो हमें जैसे जैसे बोलना है उस तरीके से करना है, तो हमें ये घुमाना है। तो इस तरीके से देखिए मेरी पूरी वॉच कम्प्लीट हो चुकी है। ये देखिए इसमें आपको राउंड वाला शेप दिया गया है, जो जैसे दोस्तों मेरी वॉच थ्री में था, बट इसमें आपको टच वाला है, उसमें दोस्तों राउंड वाला एक रिंग थी। तो दोस्तों अगर आपको इसको जैसे आपको इसकी लाइट ऑफ करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसे कम करना है, ये बंद हो जाती है। तो देखिए ये हमारा जो वॉल पेपर है, जो हमें इनबिल्ट मिलता है वॉच फेस, और बट दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारे वॉच फेस मिलते हैं, वो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ वॉच के अंदर। देखिए ये काफ़ी सारे मिलते हैं दोस्तों इसके अंदर, बहुत हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ वॉच थ्री से। ये देखिए ये है दोस्तों मेरे पास वॉच फोर और ये है वॉच थ्री। तो दोस्तों देखिए दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ये वॉच थ्री जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, देखिए काफ़ी ज़्यादा मुड़ जाती थी, इसके पीधे जो होते हैं इस टाइप काफ़ी ज़्यादा मुड़ जाते थे, और ये लेदर क्वालिटी में आया था, लेदर फिनिश में। और ये दोस्तों सिलिकॉन वाला, तो काफ़ी लोगों को दोस्तों ये पसंद आने वाली है अभी भी, क्योंकि ये इसका लुक थोड़ा अलग है, ये थोड़ी हैवी लगती है देखने में, भारी भी है थोड़ी वजन में, और ये दोस्तों काफ़ी लाइट वेट है वॉच फोर, और ये दोस्तों एक स्पोर्टी लुक देती है। तो काफ़ी लोगों को दोस्तों ये पसंद आने वाली है अभी भी। अगर आपको वॉच थ्री जैसा ही वॉच फोर में चाहिए तो आपको इसका क्लासिक वर्जन लेना पड़ेगा, जो कि दोस्तों थोड़ा महंगा आता है, बट मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने इसको ही परचेस कर लिया। तो काफ़ी अच्छी वॉच है दोस्तों वॉच फोर। और अब मैं आपको सेटिंग की बात करता हूँ, तो दोस्तों देखिए दोनों साइड बाई साइड में आपको दिखाऊँगा। देखिए इसमें मेनू के लिए आपको ये बटन दबाना पड़ेगा नीचे वाला, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे मेनू आ गए, और इसमें दोस्तों आपको अप करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे मोबाइल में हम करते हैं, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है इस नई वाली वॉच में। इसमें दोस्तों आपको टाइजन का जो होता है सॉफ्टवेयर वो मिलता है, बट इसके अंदर दोस्तों आपको सैमसंग का ही एक अपना खुद का मिलता है गूगल वाला। तो जी काफ़ी अच्छे फीचर के साथ आई है दोस्तों न्यू वॉच। और इसमें दोस्तों आपको जब ऊपर से नीचे करोगे दोस्तों देखिए बैटरी जाने वाली है, 1% रह गई है। तो आपको क्विक क्विक दिखाता हूँ, तो इन दोनों में दोस्तों फ़र्क ये है इस वॉच थ्री वॉच फोर में कि वॉच थ्री दोस्तों चाहे आप एंड्रॉइड से कनेक्ट कर सकते हो और आईफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप इसे वॉच थ्री को किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, बट दोस्तों वॉच फोर जो है सिर्फ सैमसंग एंड्रॉइड से ही कनेक्ट होगी, ये एप्पल डिवाइस से कनेक्ट नहीं होगी। तो ये चीज़ मुझे इस वॉच में काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एप्पल अपनी वॉच निकालती है तो वो सिर्फ एप्पल फ़ोन वाले जिनके पास एप्पल का फ़ोन होता है वही यूज कर पाते हैं एप्पल वॉच को, एंड्रॉइड वाले उन्हें यूज नहीं कर सकते। बट जो सैमसंग ने वॉच उसी तरीके निकाली है कि ये वॉच भी सिर्फ एंड्रॉइड से ही कनेक्ट होगी, अगर किसी के पास एप्पल का फ़ोन है तो वो दोस्तों इस वॉच का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर जो दोस्तों हमें सॉफ्टवेयर मिलता है और जो दोस्तों हमें इसके अंदर परफॉर्मेंस मिलती है वो एक एंड्रॉइड वाली मिलती है, ये iOS से कनेक्ट नहीं होगा। दोस्तों देखिए इसकी बैटरी जा चुकी है, तो मुझे इसे फिर से चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी रिकॉर्डिंग करने के लिए ही 5% चार्ज की थी इसे। तो दोस्तों बैटरी के मामले में ये दोनों ही वॉच काफ़ी स्लो हैं, अगर आप इन दोनों वॉच को इसमें किसी को भी अगर सारे फीचर के साथ ऑन करके रखते हो अपने मोबाइल से कनेक्ट करके, तो इसकी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों एक दिन चलने वाली है, डेढ़ दिन मैं बोलूँगा डेढ़ दिन चल जाएगी। और अगर आप एक नॉर्मल वॉच की तरह यूज़ करते हो, जैसे आपने कभी कभी अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया, बाकी दोस्तों आप एक वॉच की तरह यूज़ कर रहे हो, तो दोस्तों इसकी बैटरी 3 से 4 दिन तक चल सकती है। तो बैटरी के मामले में दोस्तों दोनों ही वॉच काफ़ी स्लो हैं, क्योंकि इनमें जो फीचर दिए गए हैं वो फीचर काफ़ी हाई हैं, तो बैटरी काफ़ी कम चलती है दोनों ही वॉच की। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आपके पास वॉच थ्री है तो दोस्तों आप वॉच फोर में जाना चाहो जा सकते हो, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही वॉचेस में, क्योंकि वॉच थ्री दोस्तों काफ़ी अच्छी लगती है और वॉच फोर दोस्तों एक अलग ही लुक देती है। बट मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप एक न्यू वॉच लेना चाहते हो तो आप वॉच फोर के लिए जाएँ, क्योंकि हमें इसके अंदर जो दोस्तों जो iOS मिल जो हमें सॉफ्टवेयर मिलता है जिसमें टाइजन का मिलता है, इसमें गूगल वाला मिलता है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी स्मूथनेस मिलेगी और काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे इस वाली में। अभी फिलहाल दोस्तों स्विच ऑफ हो चुकी है, तो मैं आपको ज़्यादा फीचर अब दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसको चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप वॉच फोर ले सकते हो अगर आपको न्यू लेनी है तो, और अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से थ्री है तो आप वॉच फोर में अगर आपके पास दिक्कत नहीं है पैसों की तो आप कर सकते हो, नहीं तो
आप बॉस 3 यूज़ कर सकते हो, कुछ ज़्यादा इसमें इतना बड़ा अपडेट नहीं है, बस फिर भी आप अपनी बॉस 3 यूज़ कर सकते हो और आपके पास पैसों की टेंशन नहीं है तो आप इसको ले सकते हो। अब दोस्तों बात करता हूँ इसकी प्राइस की। तो दोस्तों वैसे तो इसकी प्राइस समथिंग 20 से 25 हज़ार के बीच है, 44 mm वाले 44 सेंटीमीटर जो होती है उसकी उसकी एंड्रॉयड वाली की, जो क्योंकि दोस्तों इसे आप कॉल वगैरह सब ले सकते हो फ़ोन से कनेक्ट करके, ये LTE नहीं है। बट अभी जो फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है उसमें दोस्तों मुझे सिर्फ 12,999 रुपये की मिली है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील लगी मुझे, इसलिए मैंने इसे परचेस कर लिया। नहीं तो दोस्तों जो 20 से ऊपर की आती है, 19, 20, 21 कभी 22 ऐसे आती है, तो दोस्तों उसमें दोस्तों जो इसकी जो प्राइस है फिर भी काफ़ी अच्छी है। बट दोस्तों अभी मैंने जो प्राइस मिली है ये 13,000 रुपये में, काफ़ी अच्छी डील थी तो मैंने इसको मिस नहीं किया और मैंने इसे ऑर्डर कर लिया। और ये एक ही दिन में दोस्तों, ऐसे आज मैंने ऑर्डर किया, दूसरे ही दिन दोस्तों मेरे पास ये आ गई। तो अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, फिर इसका बाद में आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा कि इसमें दोस्तों हमें जो कुछ टाइम के बाद हमें कैसी फील आता है और दोस्तों क्या क्या फीचर हमें अच्छे से मिलते हैं, क्या क्या वर्किंग इसमें होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्पोर्ट मोड दिए गए हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जिससे दोस्तों पहले मैं इसे यूज कर लूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे दोस्तों मुझे आपको बताने में वो सब बताऊं जो मुझे इसमें मिला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों एक बात और कि ये जो वॉच है आप EMI पर भी ले सकते हो, अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है या दोस्तों आपके पास बजाज कार्ड है तो आपको ये नो कॉस्ट EMI पर भी मिल जाएगी। तो आपको एक साथ 13,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, आप EMI पर भी ले सकते हो।